नमस्कार दोस्तों, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने एक बार फिर से कमाल धमाल मचा दिया। जी हाँ, उन्होंने रिसेंटली फिर से युवराज सिंह की हिस्टोरिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि 6 छक्कों का था एक ओवर में। और ये कारनामा उन्होंने कतर के खिलाफ ACC T20 मैच के दौरान किया। आपको याद है कि भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह का एक ओवर में 6 छक्के का रिकॉर्ड 2007 में बना था, उसको नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने चकनाचूर कर दिया। और ऐसा करने वाले बहुत कम ही बल्लेबाज हैं, जिसमें दीपेंद्र सिंह एरी का नाम भी शामिल हो गया। आपको बता दें कि इस मैच के दौरान पहले नेपाल ने बैटिंग की थी, अच्छी शुरुआत मिली थी आरिफ शेख और कुशल मल्ला ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था और काफी देर तक क्रीज पर टिके रहे। और उसके बाद बारी आई थी दीपेंद्र सिंह एरी की। अब दीपेंद्र सिंह एरी के नाम सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं है, आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह एरी के नाम फास्टेस्ट 50 का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है T20 में, जो कि 9 बॉल में यानी कि 9 गेंदों में 50 रन बना चुके हैं दीपेंद्र सिंह एरी। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो उनकी ये फॉर्म कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस उनमें जरूर भरेगी और नेपाल में ज्यादा अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस मैच में दीपेंद्र सिंह एरी ने 21 बॉलों में 64 रन बना दिए और इसी के साथ नेपाल ने 211 रन का टारगेट दिया था कतर को और इस मैच को जीता। तो अगर इनकी क्रिकेट की ये पारी आपने नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस किया, ये जबरदस्त बैटिंग जरूर देखनी चाहिए। और दीपेंद्र सिंह एरी को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना चाहिए उनके इस जबरदस्त रिकॉर्ड के लिए। और आपकी क्या है नेपाल क्रिकेट पर राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स देखते रहिए NINews Vishwa।